मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मानपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिलते ही उमरिया जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने आरक्षण की कार्रवाई की है। इस दौरान जिले के जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। उमरिया में मानपुर के नगर पंचायत घोषित होने के बाद नगर परिषद मानपुर के वार्डों की आरक्षण की कार्रवाई कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव की उपस्थिति में SDM मानपुर सिद्धार्थ पटेल ने संपन्न कराई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और कई अधिकारी मौजूद रहे। नगर परिषद मानपुर की कुल जनसंख्या 20,445 है। नगर परिषद में कुल 15 वार्ड हैं जिनके आरक्षण की कार्रवाई की गई। आरक्षण के अनुसार नगर के 15 में से 12 वार्ड अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। सिर्फ 3 वार्ड ही ऐसे हैं जो पूरी तरह अनारक्षित हैं, जिनमें 2, 3 व 13 शामिल हैं। मानपुर का वार्ड क्रमांक 4 तिलक वार्ड, 7 केसरी नंदन वार्ड व 10 चरण गंगा शिव घाट वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गए हैं। इसमें से वार्ड क्रमांक 4 व 10 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित रहेंगे। इसी तरह वार्ड क्रमांक 1 सुभाष वार्ड, 14 चतुर्भुज वार्ड व 15 सोनभद्र वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगे। वार्ड क्रमांक 1 व वार्ड क्रमांक 15 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित रहेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 6 देव माता दुर्गा मंदिर वार्ड, 8 आजाद वार्ड, 11 सिविल लाइन वार्ड तथा 12 निषाद वार्ड आरक्षित किया गया है, जिसमें से वार्ड क्रमांक 8 व 12 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित घोषित किया गया है। वार्ड क्रमांक 2 भंडारीगंज, 3 महात्मा गांधी वार्ड, 5 सिद्धि विनायक वार्ड, 9 इंदिरा कॉलोनी वार्ड तथा 13 चाणक्य वार्ड अनारक्षित घोषित किए गए हैं। वार्ड क्रमांक 5 व 9 अनारक्षित महिला घोषित हुए हैं। नगर पंचायत नवीन गठित हुई है, नगर परिषद नवीन गठित हुई है, तो प्रथम बार इसका आरक्षण किया जाना है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं महिला सीटों का निर्धारण किया जाएगा। ये कार्रवाई संपादित की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।